तो देखिए पाकिस्तान की बर्बादी तय और यही पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही समय, इसी पर आगे बात करेंगे। मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों से। जनरल शंकर रॉय चौधरी, पूर्व सेना प्रमुख, आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो स्टूडियो में मौजूद है, मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब भी मौजूद हैं यहां स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको सीधे मैं लेकर चलती हूं श्रीनगर, जहां से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। और जरा आसिफ अनंतनाग में इस वक्त मौजूद हैं। और आसिफ से हम ये जानेंगे कि जो पार्थिव शरीर, वो कब तक पैतृक निवास भेजने की तैयारी है शहीदों के। आसिफ, क्या डिटेल्स? रोमाना, देखिए जो शव कर्नल और मेजर के आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास घटनास्थल से बरामद करके हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर पहुंचाए गए, और वहां पे जो अन्य जो प्रोग्राम था, जो पोस्टमार्टम वगैरह का था, कार्यक्रम था, वो होके उसकी वजह से देरी हो गई है शवों को वापस भेजने के लिए। लेकिन जो उनको अंतिम सलामी दी जाएगी, जो उनकी रीतलेइंग होगी, वो तकरीबन 7:45 आज ही की जाएगी श्रीनगर स्थित 15 कोर के हेडक्वार्टर यानी चिनार कोर में, और जिसमें जम्मू कश्मीर के LG समेत सभी वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। और उम्मीद यही की जा रही है या तो आज रात को नहीं तो कल सुबह तड़के शवों को उनके पैतृक निवास की तरफ भेजा जाएगा एक विशेष सेना के विमान में। और जो मोहाली, चंडीगढ़ और जो दूसरी जगह पर ले जाने हैं, तो वहां से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। यानी कोशिश ये रहेगी कि आज रात में ही शवों को उनके पैतृक स्थानों पर भेजा जाए, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं, अगर मौसम साजगार नहीं रहा या कोई डिफिकल्टी नहीं आई, तो कल सुबह तड़के ही शवों को श्रीनगर से भेजा जाएगा। रोमन, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम अपडेट के लिए। और जैसे कोई और आगे अपडेट मिलेगा, खासतौर से इस ऑपरेशन के कामयाबी के साथ मुकम्मल होने का, वो जानकारी का पूरे देश को इंतजार है, हम फौरन आपका रुख करेंगे। और इस बीच आपको दिखाते हैं कि अभी तक कब कब पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ वक्त में जब नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया, तो फिर कैसे भारत ने दिया है उसको मुंह तोड़ जवाब। उरी हमला 16 सितंबर 2016 को 18 जवान हमारे शहीद हुए थे, और 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। जल्दी से ग्राफिक्स बदलिए। राजौरी हमला 13 जनवरी 2018 की वो तारीख थी, पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान हमारा शहीद हुआ था, और बदले के तौर पर 7 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना ने ढेर किए थे। इसी तरीके से पुलवामा आपको याद होगा, 14 फरवरी 2019 को CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे, और बालाकोट में जैश के कैंप पर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया था। फिर पुंछ हमला 2 अप्रैल 2019 को पाकिस्तानी सेना की फायरिंग, 7 पाकिस्तानी पोस्ट जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से तबाह की गई थी। तंगधार हमला अक्टूबर 2019, बाज नहीं आता है पाकिस्तान, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तानी सेना के 3 कैंप हमने तबाह किए थे। तो लगातार ये सबक सिखाने का सिलसिला पाकिस्तान को जारी है, और इस बार पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई है, उसके बाद अब बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या। जनरल चौधरी, आपसे इसका जवाब चाहूंगी। देखिए, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ये बहुत पुराना सबक है और इसको बार बार नहीं सीखना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारा पहला तरीका था, उस पार जाके मारना। अब ये सरकार की मर्जी है, ये करें या नहीं करें, लेकिन पुराना सबक तो यही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पहले हम करते थे, अगर अभी करना चाहिए और ये तरीका छोड़ना नहीं चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।